हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 35 ए के बारे में। 35 ए को मई 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधानसभा को अस्थाई नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। राज्य जिन नागरिकों को अस्थाई घोषित करता है केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं। यदि जम्मू कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह नागरिकता को खो देगा। 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35 ए को संविधान में जोड़ा गया था वह आदेश अनुच्छेद 370 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। धारा 370 की कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है धारा 370 के तहत, लेकिन किसी अन्य विशेष संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। ये है धारा 370 का रूल। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 जो कि राष्ट्रपति शासन है वो लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता भारत और कश्मीर होती है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्र ध्वज अलग है। वहाँ के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है।